नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सेंथोलॉजी टेक में। तो इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करेंगे हम मोटोरोला के पल्स एस्केप हेडफोन्स की। चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, चलो एक बार इसके स्पेसिफिकेशंस के ऊपर नजर मार लेते हैं। हाँ तो दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं, मोटोरोला अपना दावा कर रहा है कि एक बारी के चार्ज के ऊपर 10 घंटे चलेगा और रिच HD साउंड होगी। नॉइस कैंसिलेशन दी गई है इसके अंदर, और सबसे अच्छी चीज़ दी गई है दोस्तों ये कि ये जो हेडफोन्स है, एक बारी कनेक्ट करने के बाद आप इससे 60 फीट दूर जा सकते हैं। मतलब आप इसको एक बारी लगाइए और पूरे घर में घूमे, कोई इशू नहीं है उसके लिए। और ये बहुत कहा जा रहा है कि लाइट वेट है और फोल्डेबल भी है। सीरी गूगल नाउ कंपैटिबल भी है कि डायरेक्टली आप अपना एक बटन क्लिक करते हैं, डायरेक्टली अपने इसके थ्रू ही बात कर सकते हैं। इसका मतलब ये है, नेक्स्ट पॉइंट जो कि दे रखा है, कि इसके अंदर इंटीग्रेटेड माइक्रोफोन भी है, तो आप डायरेक्टली कॉल्स भी एक्सेप्ट कर सकते हैं और डायरेक्टली बात कर सकते हैं उनसे। जैसे कि इसके अंदर ब्लूटूथ 4.1 दिया गया है, तो उसके हिसाब से ये है कि आप इसके साथ दो डिवाइसेस इकट्ठे कनेक्ट कर सकते हैं कि आप साइमल्टेनियसली उनको चला सकें। चलिए दोस्तों, इसको खोलते हैं और देखते हैं कि मेन डिवाइस कैसा है। हाँ तो दोस्तों, खोलते ही सबसे पहले हमारे को डिवाइस दिख रहा है जो कि वाइट कलर में हमें मिला है। चलिए इसको एक बार साइड रख देते हैं और बाकी चीज़ों को देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। जैसे दोस्तों, बॉक्स के बाहर लिखा गया था कि इसके अंदर एक 3.5 mm वायर दी गई है, प्लस एक चार्जिंग केबल दी गई है और एक गारंटी कार्ड। तीनों चीज़ें से दोस्तों इसके अंदर वैसे ही हैं। ये हो गई दोस्तों सबसे पहले चार्जिंग केबल, और उसके बाद दोस्तों ये हो गई हमारी 3.5 mm जैक वाली वायर, जिसको हम ऑक्स वायर भी कहते हैं। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं एक बार मेन डिवाइस कैसा है। दिखने में और बिल्ड क्वालिटी में काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसके ऊपर हल्का सा मैट फिनिश प्लस शाइन का दोनों का मिक्सचर दिया गया है। बिल्ड क्वालिटी में एक्चुअली में देखा जाए तो 10 में से मैं कहूँगा 8 नंबर। इतना भी ज़्यादा अच्छा नहीं, बट इट्स नाइस। ये एक्सटेंड भी होते हैं जो कि बहुत अच्छी बात है, कई लोगों के हेड के हिसाब से एडजस्ट होने वाले। इसके जो ईयर कुशंस हैं वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं। नॉर्मली जो दूसरों के वो काफ़ी बेकार क्वालिटी के होते हैं, जिसके अंदर फटने का डर रहता है। ये जो दोस्तों हैं लेदर के कुशंस हैं, तो ये काफ़ी जल्दी नहीं फटेंगे, अच्छी ड्यूरेबिलिटी देंगे हमें। और जैसे बाहर लिखा था कि ये फोल्डेबल भी है, तो एक बार फोल्डेबल करके मैं आपको दिखा दूंगी कैसे हैं। कुशनिंग एज यूजुअली मैंने जैसे कहा बहुत अच्छी है। सबसे अच्छी चीज़ दोस्तों, इसके ऊपर हेड के ऊपर भी कुशनिंग दी गई है, जिससे कि आपको हेडेक की कभी इशू नहीं रहेगा, चाहे उसको लॉन्ग टर्म डाल के रखें। दोस्तों इसके अंदर एक बहुत अच्छी चीज़ दी गई है, इसके अंदर 3.5 mm का जैक दिया गया है। जैसे कि दोस्तों, अगर आपका कभी बैटरी खत्म हो जाती है इसकी और आप स्टिल इसको यूज़ करना चाहते हैं, तो आप 3.5 mm जैक के अंदर इसकी वायर लगा के डायरेक्टली एक्सेस ले सकते हैं फ़ोन से बिना किसी इशू के। बाकी नॉर्मली जो स्कल कैंडी या बड़े ब्रांड्स के अंदर आता है, उन हेडफोन्स के अंदर ये पॉइंट नहीं दिए, उनके अंदर 3.5 mm जैक नहीं अवेलेबल होता है, बट इसके अंदर दिया गया, जो कि बहुत अच्छी बात है। ओवरऑल दोस्तों, मैंने इसको अभी थोड़ी देर यूज़ किया है, इस्तेमाल करके मुझे पता लगा है कि इसकी जो और उसके बाद मैंने देखा है कि इसकी जो ऑडियो क्वालिटी है दोस्तों, उस लेवल की नहीं है जितने इसके चार्जेस लिए जा रहे हैं। मीन्स कहने का है कि हमारे को अगर उम्मीद होती है इतना पैसा भरने के बाद कि ऑडियो क्वालिटी हमें अच्छी मिलेगी, इसके अंदर जो बेस है काफ़ी नॉर्मल है और जो साउंड है काफ़ी लाउड नहीं है। मतलब अगर आप फुल वॉल्यूम भी कर लेंगे उसके बाद भी आपको फील होगा कि इसके अंदर थोड़ा सी वॉल्यूम की कमी है। बाकी स्टिल ओवरऑल अगर आप नॉर्मल ज़्यादा सुनने वाले, मतलब ज़्यादा तेज आवाज़ से सुनने वाले लोग नहीं है, तो आपके लिए बहुत अच्छा है, एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें। धन्यवाद दोस्तों आपका ये वीडियो देखने के लिए। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, नीचे लाल वाले बटन को दबाएं, फोड़े जो मर्जी करें, प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं।